सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, व्हाट्स एवर योर टाइम, फॉर दैट आई एम डूइंग. सो वी आर गोइंग थ्रू विद अल्टरनेटिंग करंट एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन टिल आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट. नाउ वी विल गो थ्रू विद द सर्किट डायग्राम्स ऑफ एसी सर्किट्स. So in the circuit we will use today circuit type number 1, lecture number 1. In this we will do L circuit, R circuit and C circuit, purely L circuit, R circuit and C circuit. So our today's topic is, first topic is pure, that is what, circuit AC. ठीक है, और AC circuit कुछ भी कहिए आप, इसको क्या कह सकते हैं आप इसको एसी सर्किट्स भी कह सकते हैं. और इसके अंदर जो ए है वो है प्योर रजिस्टर सर्किट. अच्छा, पहला सवाल, प्योर का मतलब हर कोई जानता होगा, खाली खाली रजिस्टर लगा हुआ हो. सर्किट मतलब क्या होता है, आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो. सर्किट क्या होता है, इट इज अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव. ठीक है, तो डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन एसी करंट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, ऑसिलेट करते हैं. तो ये एक रास्ता है जिसके थ्रू ये ऑसिलेट करें. तो देखें, हमने एक ये आर सर्किट लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, और इस रेजिस्टेंस को हमने किसी एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ और वोल्टेज Across this is how much? V is equal to V naught sin omega t. And this is R. ठीक है, तो what we have taken? We are taking a resistance, purely resistive circuit, and we are applying across this resistor a potential V is equal to V naught sin omega t. Now what we will see? Although it is a AC circuit, so we cannot draw the direction of flow of what? Current. But I am drawing the direction of current for any instant. This is for any instant. ये जो मैंने direction बनाया है वो किसी instant के लिए है, किसी एक particular instant के लिए है. ठीक है, particular instant. ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या use करूँगा, KVL use करूँगा, Kirchhoff's का law use करूँगा. अब जरा मुझे बताइए, अगर ये direction है तो क्या होगा, ये जो V है, V माइनस का आई इंटू आर, और कोई चीज है इसके अंदर नहीं है, इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल क्या पाया जाएगा, वी माइनस का आई इंटू आर इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो. ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में कैसे किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, नहीं है तो पीछे के लेक्चर्स में जाके रिकॉल करिए, आप कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज. तो यहां से V इज इक्वल टू बच्चे कितना आ जाएगा, I इंटू आर. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमारे पास में वोल्टेज है कितना दे रखा है इस सर्किट के लिए, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहां से हम फाइंड करेंगे I की वैल्यू. तो I जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, V अपॉन वॉट, R. एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ V, V इज इक्वल टू V नॉट अपॉन V नॉट साइन ओमेगा टी. तो पुट वॉट, पुट 1 इन इक्वेशन 2. अब बताइए, तो I कितना निकल के आ गया, तो यहां से I निकल के आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन वॉट, R. अब ध्यान से देखो, ये V नॉट अपॉन R क्या चीज है, ध्यान से देखिए, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट. तो पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो यहां से क्या निकल के आ गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, फॉर करंट. एंड यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए, सिंस आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन व्हाट, आर. I नॉट किसके बराबर है, V नॉट अपॉन R के. तो ये हमारे पास में निकल के आया है एक्सप्रेशन. ठीक है, दिस इज आर इक्वेशन नंबर व्हाट, थर्ड. क्या मिला आपको, अगर हम देखें एज फ्रॉम या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, बहुत ध्यान से देखिए. तो
तो क्या मिल रहा है आपको वन और थ्री से? तो हमने देखा कि वन में हमारे पास में है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और थ्री में हमारे पास क्या आया इक्वेशन में, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. व्हाट इज द बेसिक थिंग यू कैन सी दैट द फेस फॉर v इक्वेशन इज हाउ मच v ओमेगा टी एंड फॉर i इक्वेशन इज हाउ मच ओमेगा टी. तो इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज फेस डिफरेंस, तो फेस डिफरेंस क्या होगा? तो फेस डिफरेंस हम निकालें तो वो क्या होगा, वो होगा फेस ऑफ v माइनस फेज ऑफ आई. व्हाट इज द फेज ऑफ वी? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी. इसका भी ओमेगा टी और इसका भी ओमेगा टी, तो कितना निकल के आ गया फेज? जीरो. तो यहां पर जो फेज डिफरेंस निकल के आया है वो कितना निकल के आ गया? जीरो. अब हमने एक चीज देखी कि जब प्योरली आर सर्किट होता है तो उसके अंदर फेज डिफरेंस कितना पाया जाता है बच्चे? जीरो पाया जाता है. अब हम एक नई टर्म पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम. क्या पढ़ेंगे हम लोग? फेजर डायग्राम. तो देखिए फेजर डायग्राम क्या होता है, तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट दैट इज नोन एज व्हाट फेजर डायग्राम. हम यहां से कहां गए थे ये भी थोड़ा सा याद रखिए, फ्रॉम हेयर टू वी हैव मूव व्हाट हेयर. अब हम यहां से कहां जा रहे हैं? थ्री स्टार, ध्यान रखना. हम यहां से यहां जा रहे हैं, जिससे जिससे आप लिखें नोट्स, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यहां मूव कर रहे हैं. तो अब क्या हम पढ़ेंगे? फेजर डायग्राम. देखिए क्या होता है फेजर डायग्राम. तो हमने एक एक्सिस वाई ले ली और एक एक्सिस हमने क्या ले ली? एक्स ले ली. ठीक है भाई. अब देखिए अब क्या हुआ, यहां पर फेस कितना है वी का? ओमेगा टी, एंगल. ओमेगा टी क्या है? एंगल. तो हमने क्या करा, हमने यहां से एक वेक्टर लिया और ये बना दिया, और इस वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट करा? वी नॉट से. इस वेक्टर की लेंथ को हमने किससे रिप्रेजेंट करा? वी नॉट से. और एंगल कितना निकल के आया हमारे पास में? ओमेगा टी. ध्यान समझिए कैसे बनाते हैं, एक ही तरीके से सारे के सारे फेजर बन जाएंगे. अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. अब क्या करें, हम देखेंगे इस वी नॉट का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस. वेक्टर्स पढ़े हैं आपने, तो प्रोजेक्शन ऑफ वी नॉट ऑन व्हाट? वाई एक्सिस. तो क्या होगा, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए प्रोजेक्शन निकालने के लिए. तो ये जो वैल्यू निकल के आई है इस वैल्यू को हम कहेंगे वी, ये ओमेगा टी है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वी नॉट ऑन व्हाट? वाई एक्सिस. तो इसमें है क्या, इसमें दो चीजें ध्यान रखिए. इसमें जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर, वो क्या शो कर रहा है? वो वी नॉट को शो कर रहा है, मतलब पीक वैल्यू को शो कर रहा है. वी नॉट या फिर हो सकता है आई नॉट को शो करे. दूसरी चीज इसमें क्या है आपके पास में, इसमें जो प्रोजेक्शन है, क्या है बेटा? प्रोजेक्शन ऑन ऑन वाई एक्सिस, वो क्या शो करेगा? वो बताएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वी. किसकी वैल्यू बता रहा है वो? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ व्हाट? वी. और वो कितनी है? वी नॉट साइन ओमेगा टी है. वो वैल्यू कितनी है? वी नॉट साइन ओमेगा टी. अच्छा, जो फेस यहां पर v का है वही फेस कितना है i का, क्योंकि फेस डिफरेंस कितना निकल के आया? जीरो. तो जो हम i वेक्टर बनाएंगे वो भी किसके ऊपर बनाएंगे? इसी के ऊपर बनाएंगे. बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ i वेक्टर. तो उसके लिए ये देखिए ध्यान से, ये वाली इक्वेशन ध्यान से देखिए. आपको i नॉट तब मिल रहा है जब आप v नॉट को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं. इसका मतलब क्या पता चला? कि v नॉट का वैल्यू बड़ा है और i नॉट की वैल्यू क्या है? छोटी है. तो आप इसी पे बनाइए, लेकिन उसकी लेंथ को क्या कर दीजिए? छोटा कर दीजिए. और एंगल का फेस कितना होगा उसके लिए भी? सेम, ओमेगा टी. अब आप इसका प्रोजेक्शन यहां निकालेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? वो निकल के आ जाएगा, ये दिस इज व्हाट, दिस इज आई नॉट. तो ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये दोनों निकल के आ गए. अब मैं कहूं अगर मैं इसका फेज सिंपल फेज बनाऊं, सिंपल फॉर्म में बनाऊं, तो सिंपल में इधर ही क्या है मेरे पास में? वी नॉट है. और इसी डायरेक्शन पे क्या है मेरे पास में? आई नॉट है. तो समझ में आ गया. तो ये तो फेजर डायग्राम हो गया. अब इस फेजर डायग्राम के बाद इसमें एक चीज और पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं वेव, वेव डायग्राम. क्या बनेंगे हम लोग? वेव, वेविकल डायग्राम, वेव बनाएंगे. चलिए तो वेव डायग्राम भी मैं यहां बना देता हूं, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा. तो देखिए कैसे बनेगा वेव वाला डायग्राम.
तो उसके लिए क्या करा हमने, हमने वेव बनाई। देखिए ये हमारा इस तरह से बना, ठीक है भाई, ये सिस्टम है। और ये जो वैल्यू आई है मान लीजिए ये वी नॉट प्लस का है, और इधर जो आएगी वैल्यू वो कैसी आएगी, वी नॉट माइनस की आएगी। तो आपके पास एक इक्वेशन आई वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी आई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। टी की वैल्यू जीरो रखिए तो क्या निकल के आ रहा है, वी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, जीरो। फिर टी की वैल्यू रखिए, अलग अलग वैल्यूज प्लॉट करते चलिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है आगे तक। तो ये पीक वैल्यू है, तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, ये वी नॉट को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है ये वैल्यू वी नॉट, और ये किसको शो कर रहा है वी को। अच्छा अब मैं आई को बनाऊं, तो आप पढ़ चुके हैं आई का वेक्टर का जो वैल्यू क्या है, छोटी है, तो यहीं पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा, और आई नॉट होगा कितना, वी नॉट अपॉन वॉट आर। अब इसमें भी फेस डिफरेंस कितना है, सेम है, फेस डिफरेंस कितना है, जीरो है। तो इसका मतलब जहां पर वी नॉट मैक्सिमम होगा वहीं पर आई नॉट मैक्सिमम होगा, और जहां पर आई नॉट मिनिमम होगा वहीं पर वी नॉट मिनिमम होगा, मतलब आई और वी सेम फेज में होंगे। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, दिस विल बी व्हाट कंटिन्यूड एंड सो ऑन कंटिन्यूड, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये वैल्यू आई नॉट को डिनोट कर रही है, ये वैल्यू भी किसको डिनोट कर रही है, आई नॉट को। तो ये था हमारा कौन सा डायग्राम, प्योर आर सर्किट, जिसमें क्या हो गया, एक फेजर डायग्राम हो गया, इसको हम कौन सा डायग्राम कहते हैं, फेजर, और इसको हम कौन सा कहते हैं, वेव, ठीक है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना निकल के आया, जीरो निकल के आया। अब अगला जो सर्किट आता है वो आता है प्योर एल सर्किट। क्या आता है, प्योर एल, एल मतलब क्या है, इंडक्टर, ठीक है, एल मतलब क्या है, इंडक्टर। देखते हैं कैसे करेंगे उसको भी, सिंपल, सबके मेथड सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, बस समझते जाइए। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, प्योर इंडक्टर, तो बी टॉपिक नंबर व्हाट, बी, तो प्योर इंडक्टर, दैट इज व्हाट, दैट इज एल सर्किट, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एल सर्किट। अब ध्यान से देखिए एल सर्किट में क्या होता है, खाली कोई एक इंडक्टर लगा दीजिए ये, और यहां पर कोई एक एसी सोर्स लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सा हमारा सिस्टम बन गया। तो ये क्या है L, इसकी ऐसा यूनिट क्या हुआ करती थी, L की हेनरी, क्या हुआ करती थी, हेनरी। और यहां पर V इज इक्वल टू कितना होगा भाई, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब किसी इंस्टेंट पे, फिर से किसी इंस्टेंट पे करंट आई है यहां पर, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, इसके अंदर EMF बनाएगा E, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये कोई एक इंडक्टर हुआ करता था तो, और इसमें कोई करंट आई चलता था, तो इसके अंदर जो ईएमएफ आता था उल्टे डायरेक्शन में वो कितना आता था, एल डी आई अपॉन वॉट डी टी। ये पढ़ चुके हैं फैराडेज लॉ से आप, तो इसका इसमें इस्तेमाल होगा। अब अगर मैं इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाऊं, क्या लगाऊं, यूजिंग वॉट के वी एल, तो जरा बताइए क्या आएगा, आपके पास आएगा वी माइनस ई इज इक्वल टू वॉट, जीरो, ठीक है। आप देखिए कैसे लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ, आपको पता होगा, हम चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा इसके बारे में, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या हो गया, तो V इज इक्वल टू हाउ मच, E, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E हेयर, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन वॉट डी टी। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, एल डी आई अपॉन वॉट डी टी। यहां लिख दीजिएगा, सिंस E इज इक्वल टू हाउ मच, एल डी आई अपॉन वॉट डी टी, ठीक है। तो अब आप जरा देखिए, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन वॉट डी टी। तो क्या चाहिए, अच्छा V की वैल्यू कितनी है, सेम V नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज व्हाट सेकंड। तो पुट वन टू इन वन, तो जैसे ही आपने रखा तो जरा देखिए क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन वॉट
dt, तो यहां से di बताइए, l नीचे ले जाइए, dt को उधर ले जाइए, तो di जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v नॉट अपॉन l इंटू हाउ मच साइन ओमेगा t इंटू वॉट dt। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे i चाहिए दोनों साइड, क्या कर दूंगा इंट्रीगेट, तो इंट्रीगेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जरा बताइए भैया, इंट्रीगेट करते ही ये तो हो गया di और ये कितना हो गया इंट्रीगेशन ऑफ v नॉट अपॉन वॉट l इंटू वॉट साइन ओमेगा t इंटू वॉट dt। बताइए ये क्या आ गया, i आ गया, ये एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया आपके पास में, आई आ गया। और इधर से वी नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, पीक वैल्यू है, और वो कोफिशेंट ऑफ इंडक्टर है। साइन का इंट्रीगेशन क्या होता है बताइए, साइन का इंट्रीगेशन क्या होता है, कॉस या माइनस कॉस, आंसर आया माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन वॉट ओमेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, ओमेगा भी कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो यहाँ से हमारे पास में आई निकल के आया, कितना निकल के आया, आई आई निकल के आया वी नॉट अपॉन एल ओमेगा इन माइनस टू वॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को, चलो ये कुछ रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, वी अपॉन आर क्या होता है, तो ये क्या है, ये क्या है, सेम एज That of resistor, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, हम इसको XL लिखते हैं, क्या लिखते हैं XL, और ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो I बराबर क्या आ गया, अब V नॉट अपॉन वॉट XL, और साथ में क्या आ गया माइनस का cos ओमेगा t, तो ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा आई नॉट हो गया, तो आई बराबर क्या हो गया आई नॉट माइनस का कॉस ओमेगा टी हो गया भाई। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या है आपके पास, सिंस क्या आ गया आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वॉट एक्सएल, एंड एक्सएल है कितना वन अपॉन ओमेगा एल है, ठीक है भाई, ये एल है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब अगर आप अपनी इक्वेशन नंबर वन को देखें और इस इक्वेशन नंबर थ्री को देखें, तो क्या पाएंगे आप, ये पाएंगे, ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी है, थ्री है, ये पाएंगे कि एक में तो साइन है और एक में कॉस है, तो आपको बिल्कुल यही बनाना है, और ओमेगा टी को कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, जैसे आप ये कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, थोड़ा समझने के लिए है बेटा ये, कि कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन अगर कॉस के आगे साइन कैसा लगा हुआ है माइनस का, तो यहां पर भी साइन कैसा लग जाएगा, माइनस दोनों साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का ये और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, और अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ऐसा इसलिए दूसरा भी यूज कर सकता था मैं यहां पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, लेकिन वो यूज करने से मेरे पास में ओमेगा के आगे साइन कैसा जाता माइनस का जाता, तो मुझे ओमेगा कैसा चाहिए अपने रिजल्ट में, प्लस चाहिए, इसलिए मैंने इसको यूज करा। तो यहां से आई बराबर कितना हो गया आई नॉट ऑफ वॉट साइन, वहां से यूज करिए, देखिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर वॉट फोर। तो बहुत प्यार से देखिए, क्या पता चला फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर, क्या मिला आपको फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर, देखिए वन क्या थी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और भाई फोर क्या थी i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब वन और फोर में क्या पता चला, करंट लैग कर रहा है, कितने एंगल से लैग कर रहा है पाई बाई टू से, क्या पता चला दैट करंट लैग्स बाई That current lags by pi by 2, current lags by phase of pi by 2, ठीक है, करंट पिछड़ रहा है। तो अब इसका फेजर डायग्राम बनाएं, तो मैं इस साइड ही बना देता हूं, यहां पर थोड़ा सा ये मिटा रहा हूं, तो क्या पाया गया फेजर डायग्राम में, तो अगर हम फेजर बनाएं, फेजर डायग्राम बनाएं, तो देखिए क्या पाया जाएगा फेजर डायग्राम में, ये देखिए बहुत आराम से, कि भाई ये तो हमारा था V वाला, क्या था ये V नॉट, कौन था ये V नॉट, कितने एंगल पे था ये ओमेगा टी पे,
लेकिन करंट कितने से लैग कर रहा है, पाई बाई टू से, तो इससे 90 कहाँ आएगा, नीचे, नीचे की साइड में, तो यहाँ पर मेरा कोई एक करंट का आएगा और उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। इसको नीचे बढ़ा लिया आपने, चाहे तो बढ़ाना पड़ेगा चाहे नहीं, ये तो ये जो एंगल है, ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज़ वॉट आई नॉट एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ हाउ मच, 90 डिग्री, तो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ फेजर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये किसको शो कर रहा है, वी नॉट को, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास में, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, यहाँ तक इसका प्रोजेक्शन। और यहाँ पर जो यहाँ से ये जो शो कर रहा है, ये कितनी वैल्यू है, ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये प्रोजेक्शन हो गया, इसका फेजर डायग्राम हो गया। लेकिन अब अगर हम इसका वेव डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो देखते हैं वेव डायग्राम कैसे बनता है। तो वेव डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से, ये टी है और ये ग्राफ हमारा ऐसे करके बन गया। कैसे बना दिया, पीछे वाला सेम है, क्योंकि वी के लिए तो सेम ही बनेगा, आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, वी नॉट है और ये क्या हो गया, माइनस का वी नॉट, पीछे बना चुके हो आप सेम, तो ये किसके लिए हो गया, वी के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए तो कैसे बनेगा, तो आपके पास एक इक्वेशन है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अच्छा, टी को यहाँ पर जीरो करो तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पर टी को जीरो करो, जैसे ही आप टी को जीरो करोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट ऑफ साइन माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस पाई बाई टू कितना होता है, माइनस वन, यानी आई बराबर कितना हो गया, माइनस आई नॉट। तो अगर ये मेरा आई नॉट प्लस का है तो ये मेरे पास में क्या होगा, माइनस का। अच्छा, कम क्यों है, सेम क्यों कम है, क्योंकि ये डिवाइड करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, अब जब ये ग्राफ शुरू होगा तो जहाँ पर वो मैक्सिमम होगा वहाँ पर ये मिनिमम होगा, कौन मैक्सिमम होगा, कि जहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम वहाँ पर ये मिनिमम। तो मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूँ, तो देखिए ये ऐसे करके जाएगा और फिर ये ग्राफ फर्दर मोर नेगेटिव से शुरू हुआ, देन इट विल गो हेयर एंड देन फाइनली मैक्सिमम पे मिनिमम, ठीक है, एंड देन फाइनली मिनिमम पे ये ग्राफ कुछ इस तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज शोइंग व्हाट, आई नॉट, सॉरी आई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, आई नॉट, ये किसकी वैल्यू है, आई नॉट की, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा वेव डायग्राम हो गया। अब तीसरा जो हमारा बसता है उसका नाम आ गया, उसको हम लोग कहते हैं प्योरली कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे हम लोग, अब कैपेसिटर लगाएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इंडक्टर की जगह पर अब क्या हो गया, सी पॉइंट है हमारा, ये सी है, दैट इज व्हाट, कैपेसिटर। तो देखिए भाई, ये कोई एक कैपेसिटर है, इसको आपने किसी एसी से जोड़ दिया, जुड़ गया इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कैपेसिटेंस है इसकी सी, और ये है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन वन मान लीजिए आप दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, जैसे इसमें किरचॉफ सा लगाओगे तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। तो अब क्या होगा, वी माइनस का क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू वॉट, जीरो, यूजिंग के वी एल, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ से बताइए Q, यहाँ से V कितना निकल के आ गया, Q अपॉन वॉट, C, और आपने सॉल्व करा तो यहाँ से Q कितना आ गया, सी वी आ गया। अच्छा, चार्ज दिया हुआ, करंट चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो अब ये क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन वॉट डी टी, ठीक है भाई। और इधर क्या हो जाएगा अपने पास में, सी,
अच्छा ये v की पहले वैल्यू लगा देना आप, तो ये क्या हो जाएगा d ओवर dt ऑफ व्हाट v नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है बेटा, अब डिफरेंशिएट करना पहले मत कर देना, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो ये तो हो गया क्या i, और यहाँ पर v नॉट बाहर आ गया, तो c v नॉट साइन का क्या होता है cos ओमेगा t, और साथ में क्या आता है ओमेगा आता है। तो यहाँ से आई, ये हो गया वी नॉट और ये हो गया सी ओमेगा इंटू वॉट कॉस ओमेगा टी। अब प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर आई कैसे बनाए, तो इसको वन अपॉन करके लिख दीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको सी ओमेगा, ठीक है, और इंटू वॉट कॉस ओमेगा टी। ये जो चीज़ है ये भी एक प्रकार से क्या है रजिस्टेंस है, ये भी एक प्रकार से क्या है रजिस्टेंस, सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या है भाई ये सेम है एज दैट ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं XL, इसको सॉरी XC, क्योंकि ये C सर्किट है, तो XC इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा C। तो लेट कर लेते हैं इसको, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है भाई, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बनी I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वॉट XC एंड cos ओमेगा T, और ये चीज क्या हो गया I नॉट हो गया, साथ में क्या आ गया cos ओमेगा T आ गया। तो अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को देखिए और इक्वेशन नंबर वन को देखिए, क्या पता चल रहा है आपको इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से, आपको ये पता चल रहा है कि एक तो साइन में और एक किस में है cos में है। तो फिर से हमें इसको चेंज करना पड़ेगा सेम में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्यों लिया ऐसा, क्योंकि मुझे ओमेगा टी कैसा चाहिए पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैं प्लस वाला लूंगा अपने हिसाब से। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर थ्री आ गई। तो क्या रिजल्ट मिला फ्रॉम वन एंड थ्री, इट इज फाउंड दैट, इट इज फाउंड दैट I leads, मतलब करंट leads by pi by 2 फेस। कौन लीड कर रहा है भाई, करंट लीड कर रहा है। तो ये कंक्लूजन मिल गया। अब हम इसका क्या बनाएंगे, फेजर बनाएंगे। तो जरा देखते हैं फेजर डायग्राम, तो करंट लीड कर रहा है और वो क्या कर रहा है लैग कर रहा है, तो देखते हैं कैसे बनेगा फेजर, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास दो मेन इक्वेशंस बनी, एक थी v, क्या बना रहे हैं हम अब फेजर बना रहे हैं, फेजर डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो v बराबर क्या था v नॉट साइन ओमेगा t, और क्या आया हमारे पास में i बराबर i नॉट ऑफ साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। बहुत आसान है फेजर बनाना, क्या करेंगे आप सिंपली वही सेम मेथड बनाइए इस तरीके से। ये तो आपका हो गया v नॉट, लेंथ ऑफ वेक्टर कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी बना रहा है। अब इससे पाई बाई टू ज़्यादा, तो इससे 90 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ कहीं जब 90 आएगा तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आई नॉट छोटा होगा। क्यों होगा छोटा भाई, अभी आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं डिवाइड करते आ रहे हैं, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फेजर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में, ये वैल्यू किसको शो करेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये किसको शो करेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी को। ठीक है, अब इसका हम क्या बनाएंगे, वेव डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, वेव, बड़ा सिंपल सा है इन्हीं दोनों इक्वेशन की मदद से। देखिए कैसे बनेगा वेव डायग्राम, सिंपली आप ये टी है, पहला वाला तो सेम दो बार बना चुके हो ये, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन सेम है, ये क्या है वी नॉट है और ये क्या है माइनस का वी नॉट है। ठीक है भाई, इस तरीके से, और ये किसको शो कर रहा है वी को शो कर रहा है। बट यहाँ देखिए, अगर आप इसको जीरो करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप टी की जगह पर जीरो करिए, तो आई बराबर क्या हो गया आई नॉट ऑफ साइन पाई बाई टू। यहाँ तो ये जीरो हो गया, ये तो यहाँ शुरू हो गया, और साइन पाई बाई टू कितना होता है वन होता है, तो इन टू वॉट वन, तो यहाँ से कहीं से ग्राफ शुरू होगा। ये किसकी वैल्यू शो कर रहा है, ये आई नॉट की वैल्यू शो कर रहा है प्लस, और ये क्या शो कर रहा है माइनस। लेकिन यहाँ से शुरू, जहाँ पर वो मैक्सिमम होगा वहाँ पर ये क्या होगा मिनिमम होगा, जहाँ ये मिनिमम होगा वहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, तो ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके जाएगा यहाँ कहीं, सॉरी ज़्यादा नीचे चला गया थोड़ा सा ग्राफ ये, एंड देन दिस
तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर व्हाट आई. तो समझ में आया. सो दीज आर द एल सर्किट, सी सर्किट एंड आर सर्किट एंड देयर फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम. वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर नेक्स्ट. थैंक यू.